हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस एंड फॉर्मूला यूनिट मासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझा था कि मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है एंड फॉर्मूला यूनिट मास का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। और मैंने सिर्फ एक वाटर का एग्जाम्पल आपको बताया था कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम लोग बाकी के दूसरे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मासेस एंड फार्मूला यूनिट मासेस कैलकुलेट करना सीखेंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मॉलिक्यूलर मासेस हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए ये टर्म यूज़ होता है, मॉलिक्यूलर मास। एंड जो फार्मूला यूनिट मास है, ये टर्म हम ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन्स के बने हुए होते हैं, राइट। तो आज हम लोग कैलकुलेशन सीखने वाले हैं कि फॉर्मूला यूनिट मास एंड मॉलिक्यूलर मासेस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं, तो इट विल बी मच मोर क्लियर टू यू कि आपको एक्चुअली कैसे कैलकुलेट करना है, ओके। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो टेबल है एनसीईआरटी में जिसमें एटॉमिक मासेस दिया हुआ है, वो टेबल आपको ज़रूर से याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एटॉमिक मासेस दिए हुए हो भी सकते हैं या नहीं भी दिए हुए रह सकते हैं। तो अगर नहीं होगा तो आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि एटॉमिक मासेस क्या है, उसके बाद ही आप उसको मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास में अप्लाई करके कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। तो अगर मासेस नहीं है तो फिर आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए टू बी ऑन द सेफर साइड, इट इज़ बेटर कि आप उस टेबल को याद कर लें। ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है, कुछ कॉमनली यूज एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक मासेस याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन है दैट वी हैव टू कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जिसमें कि पहला आपको दिया जा रहा है CO2, ओके। अब यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एज यू नो दैट इट इज़ 12U, ओके, एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16U, ओके। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ रह भी सकता है, नहीं भी दिया हुआ रह सकता है, तो टू बी ऑन द सेफर साइड यू शुड मेमोराइज द मासेस। तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप मेमोराइज कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा इजी है। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है CO2, उसमें आपको ये समझना है कि कितने कार्बन के एटम्स हैं, कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं। आपको पहले काउंट करना पड़ेगा कि हर एक एलिमेंट का कितना आपको एटम्स दिया हुआ है, उसके बाद ही आप फिर इसके एटॉमिक मासेस को वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे CO2 लिखा हुआ है, तो CO2 में C के आसपास मुझे कोई नंबर नहीं दिख रहा है, अकेला एक ही C है वहाँ पर, एक ही कार्बन एटम है, सो दैट इज़ ओनली वन कार्बन एटम। सो हम यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 1 into कार्बन, ओनली वन कार्बन इज देयर, राइट। और यहाँ पर अगर मुझे ऑक्सीजन के बारे में पूछा जाए, तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन के राइट साइड में 2 लिखा हुआ है, जिसका मतलब इसके पास 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं इसके मॉलिक्यूल में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 into ऑक्सीजन करेंगे, एंड दिस इज नॉट 0, दिस इज डिनोटिंग ऑक्सीजन, ठीक है। ये 0 डिनोट नहीं कर रहा है, ये ऑक्सीजन डिनोट कर रहा है, ऑक्सीजन का सिम्बॉल है ये। तो 1 into कार्बन एंड 2 into ऑक्सीजन, हमको इतना एटम्स पता है इस कंपाउंड में। अभी हम क्या करेंगे कि कार्बन का जो मास है, जो हम लोगों को यहाँ दिया हुआ है, उस मास को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, राइट। तो हम यहाँ पर 12 लिख लेंगे, ज़रूरी नहीं है U अभी लिखना, U आप फाइनल जो यूनिट रहेगा, जो फाइनल आंसर आएगा, उसमें हम यूनिट पुट करेंगे। यहाँ पर U लिखना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं।
और यहाँ ऑक्सीजन का मास इस जगह पर हम लिखेंगे, जो कि यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 16, तो हम यहाँ 16 पुट कर देंगे और बाकी का जो भी है उसको वैसे ही एज इट इज़ आपको नीचे लिख देना है। जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ था तो हम 1 को 1 के जैसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में जैसे प्लस का सिंबल था हम प्लस डाल देंगे, यहाँ पर 2 लिखा हुआ था तो आई एम गोइंग टू पुट 2 एंड देन मल्टीप्लाई। अब इस पूरे चीज़ को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है एंड देन यू हैव टू टेल द आंसर, राइट। तो 1 × 12 अगर हम करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो मुझे 12 मिलेगा एंड 2 × 16 करेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू प्लस 32। इन दोनों को ऐड करने पर आपका आ जाएगा 44 और फाइनली हम यहाँ पर यू का यूनिट लगा देंगे, दैट इज़ यूनिफाइड मास, है ना, एटॉमिक मास यूनिट का जो शॉर्टर है टर्म यूनिफाइड मास, उसका ये सिंबल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो 44 यू फाइंड आउट किया है, यही आपका एक्चुअली क्या है, अगर मैं पूछूँ व्हाट डज दिस 44 यू मीन, दिस 44 यू इज एक्चुअली द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू है, ओके। उसी तरीके से अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर बी, हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे एक नया टाइप का कंपाउंड, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन मिलता है Na2CO3.10H2O, ठीक है, द कंपाउंड इज़ लाइक दिस, Na2CO3.10H2O है ना। तो अब ऐसे अगर कंपाउंड्स रहेंगे जिसमें ऐसे .10H2O रहेगा, तो वैसे में हमको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा और कैसे हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे। ये नया तरीके का एक कंपाउंड है, इस टाइप का कंपाउंड हम लोगों ने पहले नहीं देखा है मॉलिक्यूलर मास के कैलकुलेशन में। हम लोग सिंपल कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड आउट कर रहे थे जिसमें ये डॉट और ये सब चीज़ें नहीं होती थी। अब इस कंपाउंड में डॉट है तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको सबका यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है इस कंपाउंड के अंदर सबका हमको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो इधर हम साइड में लिख देते हैं एटॉमिक मास सबका, ठीक है। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो हम 23U लेते हैं। देन कार्बन का जो एटॉमिक मास है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, दैट इज़ 12U। ऑक्सीजन के लिए हम लिखते हैं 16U, ओके, एंड हाइड्रोजन के लिए हम लिखते हैं 1U। और कोई दूसरा एलिमेंट है नहीं इसमें, यही चार एलिमेंट का बना हुआ ये कंपाउंड है। अभी क्या करना है, काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स यूज़ किए गए हैं इस कंपाउंड को बनाने के लिए, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम के साथ में 2 लगा हुआ है, तो जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 × Na हम लिख सकते हैं, मतलब कि 2 सोडियम एटम है, 2 × Na मतलब 2 सोडियम एटम का यूज़ किया हुआ है। और अगर हम यहाँ पर कार्बन को देखें तो कार्बन कितना है, कार्बन यहाँ पर 1 है ना, क्योंकि कार्बन के आस राइट साइड में कोई नंबर नहीं है, लेफ्ट साइड में 2 है वो सोडियम के लिए है, लेकिन कार्बन के राइट साइड में कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो हम यहाँ पर 1 × C लिख देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ पर O3 में 3 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पर 3 × ऑक्सीजन का सिंबल O लिख देंगे। फिर यहाँ पर डॉट आ जाता है, राइट, O3 के बाद यहाँ डॉट आ जाता है। तो जैसे कि हम लोग एलजेब्रा में डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन समझते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में यहाँ जब आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ डॉट का मतलब एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है। सो जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं, और मैंने पहले भी बहुत से स्टूडेंट्स को इस डॉट को मल्टीप्लीकेशन लेते हुए देखा है, तो आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं लेना है उसको, यू डोंट हैव टू कंसिडर इट लाइक अ मल्टीप्लीकेशन सिम्बॉल जस्ट लाइक इन एलजेब्रा। यहाँ पर हम डॉट का मतलब प्लस समझते हैं, आपको एक्चुअली इसको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10H2O, ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जो Na2CO3 के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो इसके वेट को उसमें हम ऐड करेंगे, ना कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस डॉट के जगह हम क्या पुट कर देंगे, प्लस साइन लगा देंगे। ये डॉट के जगह मेरा क्या लग गया, यहाँ पर ये मैंने प्लस साइन लगा दिया, ठीक है।
फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो हम 10 लिखेंगे। अब मुझे ब्रैकेट शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो 10 है ये H2O के पहले है, दैट मीन्स कि ये पूरे H2O के साथ मल्टीप्लाइड है, ये 10 पूरे H2O के साथ मल्टीप्लाइड है। यही चीज़ एक्स्ट्रा आपको यहाँ समझनी है कि जब भी .10H2O लिखा रहेगा, .5H2O होगा, .2H2O होगा, जिसका मतलब ये है कि ये जो 10 है ये पूरे वाटर के साथ मल्टीप्लाइड है, हर एक H और हर एक O के साथ मल्टीप्लाइड है, H2O पूरे के साथ ये 10 मल्टीप्लाइड है। तो इसीलिए बाकी का आगे जो भी हम लिखेंगे अब वो हम ब्रैकेट में अलग से लिखेंगे, ताकि 10 उसके अंदर मल्टीप्लाई हो अलग से इंडिविजुअली। सो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं H2O, अब ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, दो H दिख रहा है। सो मैंने यहाँ पर 2 × H लिखा, और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 × ऑक्सीजन ऐसे लिखेंगे, राइट? ओके, अभी सबका वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो सोडियम के लिए कितना वैल्यूज हम लिख कितना वैल्यू लिखना है, 23। कार्बन के लिए कितना लिखना है, वी हैव टू राइट दैट एज 12। ऑक्सीजन के लिए कितना वैल्यू लिखेंगे, 16। हाइड्रोजन के लिए कितना वैल्यू लिखेंगे, 1। और फिर से ऑक्सीजन के लिए कितना वैल्यू लिखेंगे, 16, राइट? ओके, अभी सबको मल्टीप्लाई कर देना, वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड ऐड वॉट एवर जो भी बाकी के नंबर्स हैं उसको हमको लिखना है। सो सोडियम के साथ 2 लगा हुआ था, तो वी विल बी मल्टीप्लाइंग 2 × 23। इसको एक ब्रैकेट में पुट कर लेंगे ताकि इसको अलग से सॉल्व करें। फिर प्लस 1 × 12, क्योंकि कार्बन का 1 एटम था तो उसको एक ब्रैकेट में पुट करना है। प्लस 3 × 16, उसको एक अलग ब्रैकेट में रखना है। प्लस 10 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, अगेन एक ब्रैकेट शुरू होगा। 2 × हाइड्रोजन प्लस 1 × 16, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, राइट? अब इसको सॉल्व करना है, जो ब्रैकेट से पहले उसको सॉल्व करेंगे। सो 2 × 23 इज गोइंग टू गिव यू 46, प्लस 1 × 12 दैट इज गोइंग टू गिव यू 12, 3 × 16 दैट इज गोइंग टू गिव यू 48, प्लस 10 को एज इट इज रखना है, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। 2 × 1 दैट इज गोइंग टू गिव यू 2, प्लस 1 × 16 दैट इज गोइंग टू गिव यू 18। फाइनली इसको अगर हम ऐड करना चाहें, सारा कुछ अगर यहाँ ऐड हो जाएगा, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 यहाँ पर 16 होगा, ठीक है, 1 × 16 इज 16। 2 + 16 अगर करते हैं तो दैट इज गोइंग टू गिव यू 18, तो यहाँ ऐड करने पर आपको 18 मिल जाएगा। ओके, इसको एक अलग ब्रैकेट में रख लीजिए, और बाकी सब कुछ जितना भी आपको वैल्यूज़ मिल रहा है सारा को आपको ऐड कर देना है, और यहाँ इसको ऐड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। अब ये जो नंबर्स हैं इन सबको आपको ऐड करना है, एंड देन जो फाइनली वैल्यू आएगा वो Na2CO3.NH2O का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ऐड करने पर आपको मिलेगा 286U। ओके, आप ऐड करके देख लीजिएगा, आपको 286U मिलेगा, ठीक है? सो इस तरीके से आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसमें भी प्रेजेंट होगा वैसे मॉलिक्यूल्स के लिए आपको ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो आई होप ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 10H2O वाले और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उसको कोशिश करिएगा खुद से सॉल्व करने का। अगर सॉल्व ना हो तो फिर बताइएगा कि कैसे करना है, मुझे डाउट बताइएगा नेक्स्ट क्लास में। आई जस्ट गिव यू सिमिलर क्वेश्चन एज योर होमवर्क, आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। इसी टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मॉलिक्यूलर मास ही कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस, आप चाहें तो इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड देन यू कैन सॉल्व इट एट होम। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व कर सकते हैं, Ca(SO4).2H2O, ठीक है? इसमें एटॉमिक मासेस हम बता दें, कैल्शियम के लिए हम 40U लेते हैं,
सल्फर के लिए 32 U लेते हैं एंड ऑक्सीजन के लिए हम 16 U लेते हैं एंड हाइड्रोजन के लिए 1 U लेते हैं. ओके सो इस पूरे चीज़ को आप देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि आपसे सॉल्व हो सके. दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर डॉट 10H2O जैसा अगर आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है तो और भी ऐसे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं. जैसे एक और क्वेश्चन ले लीजिए, CuSO4 डॉट 5H2O. इसमें कॉपर का जो हम मास लेते हैं दैट इज़ टेकन एज 64 U और बाकी के तो मासेस मैंने यहाँ ऊपर बता दिया था, वही सल्फर है, वही ऑक्सीजन है, वही हाइड्रोजन है. तो ऊपर के सारे मासेस को देख करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा. दोनों का आंसर देखिएगा आपका कितना आता है. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो देन यू कैन आस्क मी व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ठीक है, आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं. ओके अभी बाकी और क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं एंड आप लोग भी कोशिश करिएगा कि आपका भी आंसर आए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें वो तो होमवर्क था जो मैंने आपको दिया, उसको कोशिश कर लीजिएगा. मैंने एक टाइप आपको बताया है, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर NaCl. NaCl के लिए हमें फाइंड आउट करना है, Na का हम लेते हैं एज 23 U रिलेटिव एटॉमिक मास एंड क्लोरीन का हम लेते हैं 35.5 U. ठीक है, सो टेक योर ओन टाइम एंड टेल मी द आंसर कि आप NaCl के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे एज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. और यहाँ पर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एक तो ये आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन होना चाहिए फाइंड आउट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl, राइट. तो यहाँ पर एक्चुअल में अगर क्वेश्चन होता तो कैसा होता, क्वेश्चन होता कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास. लेकिन देखिए टेक्निक तो सेम ही रहेगी ना, चाहे आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करें या फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड आउट करें, टेक्निक सेम रहेगी, बस नाम बदल जाता है. कैलकुलेट करने का तरीका वही रहता है, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ. ठीक है, तो फॉर्मूला यूनिट मास भले लिखा हुआ है बट इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सिमिलर मैनर एज यू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस. तो उसके कैलकुलेशन टेक्निक में कोई गलती नहीं होती है, कोई अलग से कोई अलग चेंज नहीं होता है. यू जस्ट डू इट इन द सिमिलर मैनर, बस अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स के लिए ये नाम को हम इस्तेमाल करते हैं. तो आई होप अभी तक आप लोगों का आंसर आ गया होगा. सो नाउ लेट अस डिस्कस कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, NaCl का हम क्या वैल्यू लिखेंगे एज द मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास टू बी मोर प्रिसाइज. तो Na के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर एक ही Na दिख रहा है, ओनली वन Na इज देयर, राइट. और ज़्यादा अगर प्रिसाइज बोले तो यहाँ पर सिर्फ एक Na प्लस आयन है ना. और इसके साथ और क्या प्रेजेंट है, एक ही Cl माइनस आयन प्रेजेंट है, वन इंटू Cl माइनस आयन, ओनली वन Cl माइनस आयन इज प्रेजेंट. और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि चाहे मैं Na लिखूं या फिर उसके जगह पे मैं Na प्लस लिखूं, दोनों ही केसेस में मुझे 23 ही वैल्यू लेना होगा. ठीक है, Na प्लस ले या Na ले, दोनों में 23 ही लेंगे. इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होने से उसके मास पर कोई असर नहीं पड़ता है. उसी तरीके से Cl हमको ले, Cl यहाँ पर हम वैल्यू ले लें या फिर Cl माइनस लिख लें, दोनों ही केसेस में 35.5 U का ही वैल्यू मुझे लेना पड़ेगा. उसमें हम कोई चेंज या बदलाव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करने से उसके एटॉमिक मास के वैल्यू पे कोई खास असर नहीं पड़ता है. तो इसीलिए Na प्लस के लिए हम क्या लिखेंगे, 23, और Cl माइनस के लिए हम क्या लिखेंगे, 35.5. एंड इट इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ वन, क्योंकि एक एक आयन प्रेजेंट है तो इसको मुझे वन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड फाइनली 23 प्लस 35.5 इन दोनों को मुझे ऐड करना है, और ऐड करने के बाद क्या आंसर आएगा, 58.5 U. तो अगर आपका आंसर इतना आया है तो आप प्लीज़ उसको चेक कर लीजिए स्क्रीन पे. अगर आपका यही आंसर है तो फिर इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट.
अगर कहीं कुछ गलती हुई है तो फिर चेक कर लीजिए, मैंने सॉल्व कर दिया है, उसके साथ आप टैली कर लीजिए कि आपने किस तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पर अगेन वी हैव टू कैलकुलेट फार्मूला यूनिट मास ओनली, क्योंकि मैं काइनिक कंपाउंड यहाँ लिखने वाली हूँ, तो CaOH होल टू, ठीक है, CaOH होल टू फार्मूला यूनिट मास, इसका आपको कैलकुलेट करना है फार्मूला यूनिट मास। आई होप अब तक आपको याद हो जाना चाहिए कि कैल्शियम के लिए हम 40U लेते हैं एज एटॉमिक मास, ऑक्सीजन के लिए हम 16U लेते हैं, एंड हाइड्रोजन के लिए हम 1U लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ द एटॉमिक मासेस। आई होप आप लोग याद कर लेंगे, जल्दी से याद कर लीजिएगा उस टेबल को, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ रह भी सकता है, नहीं भी दिया हुआ रह सकता है। तो अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो यू हैव टू मेमोराइज, देर इज़ नो अदर वे, ओके। सो टेक योर ओन टाइम, ट्राई एंड सॉल्व दिस, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट वेरी टफ, इट इज़ वेरी ईजी। जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, वैसे ही आपको एटॉमिक मासेस पुट करना है एंड मुझे वैल्यूज बताना है, ठीक है। सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो एक कंपाउंड को अगर आप देखेंगे तो यहां आपको कैल्शियम के आसपास कोई नंबर नहीं दिख रहा है, दैट मींस एक ही कैल्शियम आयन है, राइट, यहां पर एक ही कैल्शियम आयन है, तो देयर इज वन इनटू कैल्शियम, आप चाहें तो Ca2+ लिख सकते हैं जो उसका फॉर्मूला है आयन का, चाहें तो 1 into Ca भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेट इट बी 1 into Ca ओनली, ज़्यादा कन्वीनियंट है, उतना चार्जेस में नहीं, अगर आप फंसना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, 1 into Ca भी लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट शुरू होता हुआ दिख रहा है और ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो इस 2 को मैं पहले लिखूँ या बाद में लिखूँ कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप ब्रैकेट जैसा है वैसा ही शुरू रखिए। और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या दिख रहा है, एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 into ऑक्सीजन, 1 into 0 नहीं लिखा है, 1 into O लिखा है, ओके। प्लस कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 है, तो वी आर गोइंग टू राइट 1 into H, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2, दैट मीन्स इट इज़ मल्टीप्लाइड विथ 2, ठीक है। अभी सबके वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो कैल्शियम के लिए वैल्यू पुट कर देंगे 40, और उसके साथ लिखा हुआ था 1, तो 1 into 40, प्लस ब्रैकेट शुरू होगा तो 1 into ऑक्सीजन के लिए मुझे वैल्यू दिया हुआ है 16, प्लस 1 into 1 क्योंकि हाइड्रोजन के लिए 1U लेना है, होल मल्टीप्लाइड विथ 2, पूरे ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये 2 लगा हुआ था इसके वजह से, राइट। चलो ठीक है, अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को सॉल्व करना है आगे, 1 into 40 is 40, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 16+1 है ना, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या मिला, 1 into 16 is 16, 1 into 1 is 1, राइट, इंटू 2, ओके। अभी ये स्टेप में मैंने 16 into 1 क्यों किया, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हम बोर्ड मास रूल फॉलो करते हैं, आप लोग सबको पता होगा मैथ्स में हम लोग बोर्ड मास रूल सीखते हैं, बहुत जूनियर क्लासेस से ही आप लोग को पता होना चाहिए। बोर्ड मास रूल में M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन, तो अगर किसी भी कैलकुलेशन में मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन का सिंबल साथ में आता है तो पहले हम मल्टीप्लाई करना प्रेफर करते हैं, उसके बाद हम ऐड करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर दिया और 16 लिख दिया, 1 into 1 करके 1 लिख दिया, अब हम उसको ऐड करेंगे सेकेंड स्टेप में। सो आवर फर्स्ट स्टेप शुड ऑलवेज बी मल्टीप्लीकेशन एंड देन वी शुड ऐड इट अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, ओके। तो चलो अभी नेक्स्ट स्टेप में 40+16+1, 16+1 पहले यहाँ पे हम ऐड कर देंगे क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, एवरीबडी नोज कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 17 मिल गया, इंटू 2, तो इंटू 2 कर देते हैं, है ना, 17 into 2 को फिर हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 34, और देन अगेन प्लस इधर क्या बचा हुआ है, 40, इन दोनों को अगर मुझे ऐड करना हो तो मुझे कितना मिलेगा, आई एम गोइंग टू गेट 74U, एंड 74U शुड बी योर फाइनल आंसर, ओके।
सो आई होप इट इज़ क्लियर कि आपको कैसे सॉल्व करना है. कुछ खास मुश्किल आपको लगता है कि है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए. आई विल ट्राई एंड सॉल्व दैट आउट कि कैसे सॉल्व हो रहा है. बोर्ड मास रूल क्लियर होना चाहिए, ठीक है. मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करने के लिए कई जगहों पर ऐसा आपको ब्रैकेट्स दिखेगा, कई जगहों पर आप मल्टीप्लीकेशन एडिशन का सिम्बॉल साथ साथ में यूज़ करेंगे. तो बोर्ड मास रूल अप्लाई करना और उसको समझ कर यूज़ करने का जो टेक्निक है वो आपका पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी कोई गलती नहीं होगी. बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले मल्टीप्लाई करने के बजाय वो पहले ऐड कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पहले ऐड करना चाहिए फिर अगेन लास्टली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो कुछ कुछ इस तरीके से ये मैथमेटिकल एरर के वजह से भी आंसर कभी कभी गलत हो जाता है. समझ तो सारे बच्चे जाते हैं कि कैसे मॉलिक्यूलर मास सॉल्व करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन मैथ्स का जो स्टेप में प्रॉब्लम्स है या कुछ कुछ आप बोर्ड मास रूल में जो गलतियाँ कर देते हैं उसके वजह से गलती हो जाती है एंड फाइनली आंसर रॉन्ग आ जाता है. तो रॉन्ग नहीं आना है, बिल्कुल सही सही सॉल्व करना है. बिकॉज आप देख लीजिए बहुत कुछ खास मुश्किल नहीं है, जस्ट हैव टू ऐड एंड मल्टीप्लाई. बहुत कुछ खास मुश्किल तो है नहीं, बहुत ही ईजी है. और इसको सॉल्व करने के लिए आपको हार्डली 1 or 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए कभी भी मॉलिक्यूलर मास आता है ना. तो इसीलिए प्रैक्टिस मोर ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका परफेक्ट हो जाए और कोई गलती नहीं हो आपसे. ओके चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इट इज़ अ मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन. आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, C2H5OH बाई नाउ आई गेस यू नो कि कार्बन इज 12U, हाइड्रोजन इज 1U एंड ऑक्सीजन इज 16U. अब तक तो पता हो जाना चाहिए, है ना. तो कोशिश करिए इसको सॉल्व करने का एंड जैसे ही सॉल्व हो जाए अपना कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा कि आपका कितना वैल्यू आता है. ओके फटाफट से बताइए क्या आंसर आ रहा है ताकि फिर हम लोग उसको चेक भी कर सकें, वेरीफाई कर सकें कि आपका आंसर जो आप लिख रहे हैं क्या वो सही आ रहा है या नहीं. क्विकली राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड जब मैं सॉल्व करूं उसको आप वेरीफाई कर सकें कि आपका आंसर सही है या नहीं. ओके फॉर्मूला को ध्यान से देखिए और समझिए कि उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है. जितने एटम्स होंगे उतने बार आप उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड लास्ट स्टेप में आपको सब कुछ ऐड करना पड़ेगा. वही हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस में, है ना. ओके अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो आपको यहाँ 2 कार्बन एटम्स दिख रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × C, दैट मीन्स 2 कार्बन एटम्स. ओके एंड वी कैन पुट इट इन अ ब्रैकेट. प्लस हाइड्रोजन अगर हम टोटल गिनेंगे तो यहाँ मेरा 5 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, देयर इज 1 हाइड्रोजन हियर एंड 5 हाइड्रोजन देयर, ठीक है. तो इधर 5 हाइड्रोजन इस तरफ है और इधर 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन. सो 5 और 1 मिला के कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया. तो 6 × H लिख सकते हैं. फाइनली एक ही साथ हम 6 × H लिख दे रहे हैं, ठीक है. ऑक्सीजन के राइट साइड में कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स ओनली 1 ऑक्सीजन इज देयर. सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × O, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, राइट. अभी सबके वैल्यूज पुट करेंगे. कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1 एंड ऑक्सीजन के लिए 16 एंड फिर बाकी के नंबर जैसे थे वैसे पुट कर देते हैं और जो भी प्लस माइनस का साइन है वो सब हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, ठीक है. अच्छा अभी 2 × 12 अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 24 प्लस 6 × 1 दैट इज 6 प्लस 16 × 1 इज 16. इन सब को ऐड करने के बाद 24 प्लस 6 प्लस 16 सब कुछ जब आप ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर फाइनली आंसर आ जाएगा 46U. ओके 46U विल बी योर आंसर. आई होप आपका भी आंसर इतना ही आया है. अगर नहीं आया है तो प्लीज़ स्टेप्स चेक कर लीजिए आपका कौन से स्टेप में क्या गलती है, आपको समझ आ जाएगा
कि कहाँ पर आपने कुछ अगर मिस्टेक की है, अगर सेम 46 आंसर नहीं आ रहा है तो देख लीजिए कहाँ पे कैसे आपने क्या मिस्टेक किया है, ठीक है, वेरीफाई दैट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एच सी ओ ओ एच। ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली किसका फॉर्मूला है, ये मिथानोइक एसिड का फॉर्मूला है, राइट, मिथानोइक एसिड का फॉर्मूला है। एंड ये जो प्रीवियस मैंने ये फॉर्मूला बताया था C2H5OH, ये एक्चुअली आप इथाइल अल्कोहल जो पढ़ते थे, 8 में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट इथाइल अल्कोहल, कहीं ना कहीं आता था, है ना, फर्मेंटेशन में इथाइल अल्कोहल आता था, ईस्ट फर्मेंटेशन करता है, इथाइल अल्कोहल बनता है, तो वो सारी चीज़ें जो इथाइल अल्कोहल बोला जाता था बार बार, तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला ये होता है C2H5OH। इसको हम इथानॉल भी कह सकते हैं, इथानॉल इज़ ऑल्सो अनदर नेम ऑफ इथाइल अल्कोहल। एनी वे दैट वॉज अ बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू शुड नो। चलो HCOOH आपको बताना है इसका मॉलिक्यूलर मास। H के लिए आपको पता ही है हम लोग 1U यूज़ करते हैं, कार्बन के लिए 12U यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के लिए 16U यूज़ करते हैं। अब तक तो आई होप आपको कुछ एलिमेंट्स के तो एटॉमिक मासेस याद हो गए होंगे, इतने बार हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है। टेक योर ओन टाइम एंड सॉल्व एंड टेल मी व्हाट शुड बी योर आंसर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कितना आपका आंसर आना चाहिए, क्विकली टेल मी। ओके चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको फॉर्मूला देख के पता चल रहा है कि यहाँ दो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, राइट, तो इन दोनों को अगर मैं साथ में लिखूँ तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना। सो यहाँ हम लिख सकते हैं 2N2H, क्योंकि फॉर्मूला में 2H है, राइट। कार्बन कितने दिख रहे हैं, कार्बन तो एक ही दिख रहा है, तो हम यहाँ 1N2C लिख देंगे। ऑक्सीजन भी उसी तरीके से दो दिख रहा है, तो दो ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पर उसी तरीके से 2N2O लिख देंगे, राइट। अभी हाइड्रोजन का वैल्यू पुट करते हैं 1, कार्बन के लिए क्या वैल्यू होता है 12, एंड ऑक्सीजन के लिए कितना वैल्यू होता है 16। अभी बाकी के नंबर जैसे थे वैसे आपको यहाँ पर पुट कर देना है, ओके, सारा कुछ पुट कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 2 × 1 दैट इज 2, 1 × 12 दैट इज 12, 2 × 16 दैट इज 32। अब सारा कुछ अगर हम ऐड करें फाइनली मेरा वैल्यू कितना आएगा, इसका भी वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही आ रहा है, दैट इज 46U, ठीक है, 46U यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सो अगर आपका 46U आंसर नहीं आया है तो मे बी देर इज़ सम काइंड ऑफ एरर दैट यू हैव डन। अगर 46U आंसर आया है देन इट इज़ एब्सोल्यूटली करेक्ट। अगर कहीं पर भी कुछ भी गलती है, आपको 46U आंसर नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ चेक द स्टेप्स, आई हैव ऑलरेडी रिटन द स्टेप्स ऑन द स्क्रीन। आप स्क्रीन देखिए और स्क्रीन से देख करके अपने सारे स्टेप्स को चेक करिए कि कहाँ आपका क्या मिस्टेक हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड है CCl4, ओके, यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन के लिए 12U यूज़ करेंगे एंड क्लोरीन के लिए हम 35.5U, जानते हैं हम उसका वैल्यू इतना होता है, तो 35.5U वैल्यू हम इस्तेमाल करते हैं, ओके। सो देखिए, कोशिश करिए कि आपका इतना ही वैल्यू आ रहा है या कुछ और वैल्यू आ रहा है। ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको फॉर्मूला देख के पता चल रहा है कि एक कार्बन है, ओनली वन कार्बन इज देयर, सो 1 × C लिख सकते हैं कार्बन के लिए, एंड
क्लोरीन के लिए, जिसको हम यहाँ क्लोराइड भी कह सकते हैं, लेकिन खैर ठीक है, क्लोरीन अगर हम लिखते हैं तो क्लोरीन के लिए हम यहाँ पर कितने क्लोरीन दिख रहे हैं? चार, क्योंकि क्लोरीन के बगल में हमको फोर दिख रहा है राइट साइड में. सो फोर इंटू सी एल लिख सकते हैं, राइट. अब इन दोनों की जगह पे हमको वैल्यू पुट करना है. कार्बन के लिए हम 12 लिखेंगे, क्लोरीन के लिए हम 35.5 लिखेंगे, ठीक है. और बाकी के जो नंबर्स हैं उसको एज इट इज जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको लिख देना है. 1 × 12 अगर हम करते हैं तो कितना वैल्यू मिलेगा? 12 मिलेगा. 4 × 35.5 अगर हम लिखते हैं तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फाइनली आपको यहाँ पर मिलेगा 142. अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा एज 154U. ठीक है, 154U आपको आंसर मिलेगा. तो अगर आपका आंसर 154U नहीं आया है तो मे बी देर इज़ सम काइंड ऑफ एरर इन द स्टेप्स. तो देख लीजिए, स्टेप्स भी मैंने क्लियरली यहाँ लिख दिया है सारा कुछ, कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया है, सारा कुछ लिखा है यहाँ पे. तो आप चेक कर सकते हैं अगर आपका 154U नहीं है आंसर. अगर आ गया है 154U देन इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, सो ऑल राइट, दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज क्लास. एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी मॉलिक्यूलर मासेस के एंड फार्मूला यूनिट मासेस के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आज के लिए इतना आई गेस काफ़ी है. एंड नेक्स्ट वीक जो भी क्लास होगी उसमें मॉलिक्यूलर मास के और भी क्वेश्चंस एंड फार्मूला राइटिंग के और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. फार्मूला राइटिंग पे थोड़ा और प्रैक्टिस ज़रूरी है आप लोगों का, तो इसलिए मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला राइटिंग पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग आगे और भी डिस्कस करेंगे मंडे को, ठीक है. सो मंडे को हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे. और आज मैंने आपको दो क्वेश्चंस अलग से दिया है तो उन दो क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करके देखना है. मैं आपको वो क्वेश्चंस फिर से दिखा दूं, अगर आपने कॉपी नहीं किया था या स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो फिर से उसको एक बार देख लीजिएगा. ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है. दीज आर द क्वेश्चंस. कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaSO4.2H2O एंड एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, एंड CuSO4.5H2O उसका भी एटॉमिक मास वगैरह दिया हुआ है, ठीक है. तो इन दोनों को कोशिश करिएगा घर पे सॉल्व करने का. एंड अगर सॉल्व नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है. एंड मंडे को हम लोग मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला यूनिट मास से रिलेटेड ही और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ फार्मूला राइटिंग के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो प्लीज़ फार्मूला राइटिंग भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस वीक के अंदर. अगर आपने अभी तक सबके सिम्बॉल्स एंड चार्जेस वगैरह ये सब याद नहीं किए हैं, कैटायंस एंड एनायंस के फार्मूलाज याद नहीं किए हैं, तो उसको याद करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप फार्मूला नहीं लिख पाएंगे, ठीक है. तो उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है. सो वी विल मीट ऑन मंडे एट द सेम टाइम. थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास. विल मीट ऑन मंडे एट द सेम टाइम एंड वी विल कंटिन्यू विद द सेम काइंड ऑफ टॉपिक, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मूला राइटिंग. ओके, थैंक यू.